अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल। तां ॾिसो पिया अफ़्तार विद फैसल, तमामु बहितरीन प्रोग्राम जेको रमज़ान उल मुबारक में असां खणी आहियूं। 3 बजे खां 4 बजे ताईं रोज़ानो लाइव आहियूं। सुबुह जो 8 बजे ॿिए ॾींहुं रिपीट हलंदो आहे। ऐं हिन में जेके खाधा ठाहींदा आहियूं, सभु तव्हांजे मयार जे मुताबिक़, तव्हांजी फ़रमाइश जे मुताबिक़, जेको तव्हांखे शइ खपंदी आहे उहा मां ठाहे ॾींदो आहियां। अॼोकी जेका रेसिपी ठहे पई उहा ठहे पई शहबाज़ कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति घी सां गॾु। शहबाज़ कुकिंग ऑयल तमामु बहितरीन कुकिंग ऑयल आहे। सिहत हर इंसान लाइ हमेशह अहमियत रखे थी। जॾहिं ॻाल्हि थिए थी सिहत जी, त शहबाज़ कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति खां बहितर हिन खे केरु नथो सुञाणे। पिछले पोएं 40 सालनि खां शहबाज़ कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति मयार ते सम्झो थो कि बग़ैर खाधनि में मिलाईंदो आहे लज़त भरी सिहत जो राज़। वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर आहे, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, हलाल ISO खां सर्टिफाइड आहे। पाकिस्तान में हर सिहतमंद घर जी पहचान शहबाज़ कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति घी। त अॼु असां छा ठाहियूं पिया? चिकन देगी पुलाव। चिकन देगी पुलाव बिरयानी भी ठाहींदासीं इंशाल्लाह। चिकन देगी पुलाव ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आहे। सभु मसाला उहे यूज़ कंदा आहियूं जेके असांजे घर में मौजूदु हूंदा आहिनि। त इहो वठो ऐं हिन में ऑयल में तव्हां ठाहे सघो था। खाधा बोतल मिले पई हिते, लीटर में बि, 3 लीटर में बि, ऐं हुनजे अलावा हिन जे पाउचिस बि मिलनि पिया। ब्रुकबॉर्न सुप्रीम ड्रस्ट तमामु बहितरीन चांहि आहे। ब्रुकबॉर्न हमेशह सां नालो आहे एतमाद जो, भरोसे जो। ब्रुकबॉर्न सुप्रीम ड्रस्ट हमेशह सां पाकिस्तान जी आला मयारी चांहि रही आहे। ब्रुकबॉर्न सुप्रीम डस्ट जो कड़क मज़ो, तेज़ ज़ाइको ऐं बहितरीन ख़ुशबू ऐं तेज़ रंग ठाहियो चाहे ॾाढी ज़बरदस्त रहे थी। मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा तमामु बहितरीन शरबत आहे, सॼी दुनिया में ॾाढो मशहूरु आहे। हर दस्तखान जी ज़ीनत हूंदो आहे ऐं तमामु बहितरीन शरबत आहे। हिन खे तव्हां खीर सां गॾु बि ठाहे सघो था, लस्सी सां गॾु बि ठाहे सघो था, थधे पाणी में बि ठाहे सघो था। ऐं हिननि जी हीअ पैकिंग अची वई आहे मार्केट में, दूध रूह अफ़ज़ा, बसि थधो करे पीअंदो। हीअ 10 पैक में शरबत तयारु आहे पाणी सां गॾु, सिर्फ़ु थधो करे तव्हांखे पीअणो। किथे बि सफ़र कयो पिया, काॾे बि वञो पिया, रोज़े जो तव्हांखे टेंशन आहे की रोज़ो खोलणो आहे, ई तव्हां वटि हूंदो गॾु, त पोइ तव्हां आराम सां रोज़ो खोले सघो था। टैंग जा ज़बरदस्त फ्लेवर्स मार्केट में, 5 फ्लेवर अवेलेबल आहिनि। जॾहिं मौसम हूंदो आहे, सीज़न हूंदो आहे फ्रूट्स जो, ऐं जॾहिं उहो सीज़न ख़तमु थी वेंदो आहे 3-4 महीननि खां पोइ असांखे नीड हूंदी आहे हू टेस्ट खपे, त टैंग में इहे सॼा टेस्ट अची विया आहिनि। तमामु बहितरीन शरबत हिन जा ठाहे सघो था। ड्रिंक्स जंहिंमें आहे पाइन एपल, कीनू यानी ऑरेंज, मैंगो जेको अंब आहे, हुन सां गॾु मौसमी जो आहे ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं जॾहिं गर्मी वधीक अचे थी, लू हले थी, त पोइ लीमे जो शरबत सभु वधीक पीअंदा आहिनि। त हुन में आहे लेमन, काली मिर्च, लीमे ऐं कारी मिर्च जो तमामु ज़बरदस्त साए कलर में तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो। इहो तव्हां वठी सघो था। नसीम मसाला मिक्स, रिवायती सिलसिलो रिवायती खाधनि जो हिन में तमामु वसी रेंज आहे, जंहिंमें आहे बिरयानी, कढ़ाई, कोरमा, कीमा, ऐं हुनजे अलावा चपली कबाब, सीख कबाब, बि बूटी कबाब ऐं काफ़ी सारा आहिनि। चाट मसालो रमज़ान हले पियो त तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। हिते आहे पाकोला फुल क्रीम मिल्क, तमामु बहितरीन घाटो मिल्क आहे, फुल कैल्शियम खां भरपूर आहे। ऐं हिन जी 1 लीटर जी बि आहे पैकिंग ऐं पाव वारी बि आहे। ॿार खीर नथा पीअनि त उन्हनि लाइ तव्हां फ्लेवर में खीर वठो, जंहिंमें चॉकलेट आहे, स्ट्रॉबेरी आहे ऐं हुनजे अलावा पिस्ता फ्लेवर आहे। लंच बॉक्स में तव्हां ॾेई सघो था। त अॼु जी रेसिपी नोट कजो, सुबुह जो 8 बजे रिपीट हलंदो। नंबर जी ख़बर न आहे, अगरि हले पियो अॼु सही आहे त पोइ तव्हां कॉल करे सघो था। ख़ाली हू बि ॿुधाए छॾिजो मूंखे, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, हले थो नंबर हले पियो, कॉल करे सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन पुलाव। देगी चिकन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल ईजी वे में बनाना सिखा रहा हूँ। और हम ये बना रहे हैं शहबाज़ कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी के साथ। सेहत हर इंसान के लिए अहमियत रखती है, जब बात हो सेहत की तो इसको शहबाज़ कुकिंग ऑयल और बनस्पति से बेहतर कोई नहीं जानता। पिछले 40 सालों से शहबाज़ कुकिंग ऑयल बनस्पति मयार पर समझौता किए बग़ैर खानों में मिलाता है लज्जत भरी सेहत का राज। वाइटामिन ए और डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, हलाल ISO से सर्टिफाइड है। पाकिस्तान में हर सेहतमंद घर की है पहचान शहबाज़ कुकिंग ऑयल। बनस्पति घी मीठे बनाएं तो बनस्पति घी में बनाएं, और पराठे बनाएं तो बनस्पति घी में बनाएं। ज़बरदस्त पैकिंग में दस्तियाब है। सुप्रीम डस्ट, ब्रुकबॉर्न सुप्रीम डस्ट हमेशा से है नाम एतमाद का, एक भरोसे का। ब्रुकबॉर्न सुप्रीम डस्ट हमेशा से पाकिस्तान की आला मयारी चाय रही है। ब्रुकबॉर्न सुप्रीम डस्ट का वो कड़क मज़ा, तेज़ जायका, बेहतरीन खुशबू और तेज़ रंग के साथ आप बनाएं, इंजॉय करें सहरी में, अफ्तारी में। गेस्ट आते हैं, ख़ुद अपने लिए नाश्ते के लिए चाय बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा तमाम बेहतरीन शरबत है, आप लें। हर घर की ज़ीनत, हर दस्तखान की ज़ीनत, ज़बरदस्त ये शरबत अफ्तारी में तो ज़रूर मौजूद होता है। इसकी पैकिंग आप देख रहे हैं, रूह अफ़ज़ा दूध भी आ गया है और 10 पैक में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये है दूध
और रूह अफ़ज़ा पानी में जिसम डिज़ोल्व करके बनाते हैं, बिल्कुल तैयार है, आपने खोलना है, ठंडा करके पीना है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं साथ अपने बैग में रख के ले जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे बात होगी फ्रूट्स जब हम खाते हैं सीज़न वाइज, वो भी 3-4 महीने तक रहता है सीज़न, पूरा साल आप उसको इन्जॉय करने के लिए टैंग लें। टैंग में बड़ी मकदार है, बड़े ज़बरदस्त इसके टेस्ट हैं, जिसमें पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, कीनू है, मैंगो है, और जब गर्मी आती है तो हम लेमन का ड्रिंक ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये लेमन काली मिर्च के ड्रिंक है। पाउडर फॉर्म में दस्तियाब हैं, पाउचेस मिल रहे हैं, इनके जार भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका तरीके का पूरा पाउच के पीछे लिखा होता है। नसीम मसाला मिक्स सिलसिला रवायती खानों का बेहतरीन मसाले हैं, जिसमें बिरयानी है, कढ़ाई गोश है, अचार गोश है, कीमा है, चपली कबाब है, बोटियाँ हैं, हलीम है, और चाट मसाला और भी वसी रेंज है इसमें, सालन मसाला वगैरह सब मौजूद है, आप बना सकती हैं, ले सकती हैं। पाकोला फुल क्रीम मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क ज़बरदस्त पैकिंग में, 1 लीटर 1 पाव में प्योर नेचुरल मिल्क है, फुल कैल्शियम है, और इसके फ्लेवर्स आ गए हैं, बच्चों जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको आप फ्लेवर वाले दूध ये लेके दें, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड इसमें पिस्ता। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की बन रही है, और ये रेसिपी हम बना रहे हैं 1/2 किलो के हिसाब से, ठीक है, 1/2 kg राइस के हिसाब से बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने लेनी है चिकन, अगर 1/2 किलो गोश्त है और सॉरी 1/2 किलो चावल है तो 3 पाव आप चिकन लें, और अगर 1 किलो है चावल तो उसमें 1/2 किलो कम अज़ कम गोश्त होना चाहिए। तो यहाँ पर चिकन की नॉर्मल कटिंग कराई हुई है। प्याज में ब्राउन यूज़ करूँगा, ब्राउन प्याज कर लें आप, 2 बड़े प्याज ब्राउन करके निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्राउन प्याज यूज़ कर रहे हैं, ये प्याले में आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 बड़े प्याज या 3 मीडियम साइज़ के प्याज आपने ब्राउन करके निकाल लेना, इस तरह निकाल के रख देना। अब जिस पतीले में हमने बनाना है पुलाव, तो अच्छा यहाँ पे हम चावल यूज़ करेंगे ना, चावल हम यूज़ करेंगे बॉयल किए, वो भी प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ड्राई कर लूँ, इसमें पानी है, फिर हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, खुश करे था तो हमें पानी है, तब वो इनमें ऐसा विजंदा सी कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, शहबाज़ कुकिंग ऑयल 1/2 कप, 1/2 कप शहबाज़ कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये डाला, थोड़ा सा डालूँगा, कम लग रहा, 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया शहबाज़ कुकिंग ऑयल, और ये जैसे गर्म होगा आपने इसमें 2 बड़े प्याज या 3 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई करके गोल्डन करके निकाल लेने, ठीक है, ये नहीं करना है कि प्याज को हम यहाँ पे ब्राउन कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे साबित गरम मसाला, जब आप प्याज ब्राउन करके निकाल देंगी ना, इस तरह ये प्याले में रखे हुए आपने फैला के रख देने, 1/2 कप का थोड़ो मथे खड़ दो कुकिंग ऑयल, हमें 2 वड़ियों गंढ करी कटी वठे जो, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी तरीके से ठंड से कहाँ पे हो, थोड़ा स्लो करें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 बादियान के फूल ये इस तरह देखें, ये स्टार शेप में होते हैं, 2 बादियान के फूल चले गए। उसके बाद लौंग डाल दी 6 अदद और 2 दालचीनी के स्टिक, ठीक है, और इसको हमने हल्का सा भगार बनाना है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 2 टेबल स्पून, उसमें आपने 2 प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल देना है। उसके बाद इसमें डालना है 3 पत्ते 2 छोटी इलायची 4 बड़ी इलायची 2 2 दालचीनी के स्टिक, बादियान के 2 फूल डाल दिए और लौंग 6 से 7 डाल दें, ठीक है। ये डालने के बाद हल्का सा इसमें भगार बना, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन, चिकन हमारे पास है 3 पाव चिकन को हमने यहाँ पर करना है फ्राई, 3 पाव चिकन है मुर्गी जा 3 पाव जितनी खइयाँ हाँ तैनी मर्जी है तो घट वट कर सको था। और अगर बीफ या मटन में बनाएंगी तो बीफ मटन को आपने बॉयल कर देना है, ठीक है, सेम प्रोसेस से बीफ या मटन बनाएंगी तो बीफ या मटन को बग़ैर नमक के आपने बॉयल करके गोश्त को गला लेना है। 3 पाव जितना है तो उसमें 2 गिलास पानी डालेंगी, और पानी जो उसका है वो खुश कर लीजिएगा, 1 कप यखनी छोड़ती है तो वो छोड़ दें, बाकी पूरा पानी इसका खुश कर दें, प्रेशर देना है तो 12 मिनट का प्रेशर देंगी तो आपका बीफ या मटन है वो गल जाएगा। फिर पानी आप अपने हिसाब से इतना डालिएगा कि जब आपका गोश्त गल जाए तो फिर आप उसमें 1/2 कप या 1 कप ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए शोरबा, जो यखनी होती ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चिकन है तो चिकन को मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगा। मुर्गी ठाहूँ पे तो मुर्गी के डायरेक्ट फ्राई कंदासी, गर्म मसाले से गड बसर गाढ़ो करी कटी वरतो, आई अगर बीफ या मटन में देगी यखनी पुलाव ठाईंदो तो पो छा कंदो, देगी पुलाव जला ताके बीफ या मटन जो जेको गोश्त है ना उनके सादे पानी से गड बॉयल कंदो, जडे पानी में गोश्त गरी विंदो ता 1 कप जितरो या थोड़ो उनका घट पानी बची पाए तो चूल्हो बंद करे छजो, ठीक है। बाकी ही चिकन है तो मैं इनके डायरेक्ट फ्राई करें, तो चिकन है तो हम इसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे और चिकन जल्दी हो जाती है। अब चिकन को इतना फ्राई करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, ऑयल में फ्राई करने का मकसद यह होता है कि इसके हड्डी में जो ब्लड आ जाता है ना वो ख़त्म हो जाए, तो अंदर तक टेंडर हो जाएगी, अंदर तक हड्डी तक गल जाएगी चिकन। अच्छी तरह इसको घुमाते रहें चारों तरफ से,
चिकन अच्छी से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट आपने प्रोसेस करना है तेज़ आंच पे। तेज़ बाहे ते ट्रेखा 4 मिनट साबित गर्म मसाले सगद मुर्गी के तां फ्राई कंदो। बसर असां पहिरीं कढी छॾियो हो गाढ़ो करे, हिन शइ जो ख़्यालु रखिजो, बसर अलॻि सां कढी छॾियो गाढ़ो करे। प्याज़ मैंने अलॻि से निकाल दिया था ब्राउन करके, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्याज़ हमारा पहले ब्राउन हुआ था, ठीक है। और चावल मैं बता दूँ कि मैं इसमें वो प्रोसेस नहीं करूँगा कि पानी डाल के यखनी में चावल डालने, यहाँ पे चावल हमारे बॉयल हुए हैं, वो भी बताता हूँ। पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ना, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? बना रहे हैं जी। वॉन्टन। हेलो हेलो, वॉन्टन नहीं बना रहे आप जी? यखनी वो मैं आज बना रहा हूँ, देगी पुलाव। तो वॉन्टन कब बनाएंगे आप? क्या चीज? वॉन्टन। वॉन्टन वॉन्टन में 1-2 दिन में बना दूंगा, मुझे याद है, मैंने इस वीक का कहा था ना, तो आज वेनसडे है ना, मैं फ्राइडे को बना दूंगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमने चिकन को कवर कर दिया था, चिकन अच्छी से फ्राई हो रही है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा 1/2 कप पानी, और चिकन को गलाने के लिए 1/2 कप, जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो 1/2 कप पानी डाला, और इसको कवर कर दूंगा मीडियम फ्लेम पे, ताकि 10 मिनट में चिकन हमारी अच्छी सी गल जाए। मुर्गी चंगी सी गरी वी 10 मिनटन में, ठीक है। इनके मैं कवर कर चढ़ा। अब यहाँ पे जो चावल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि चावल हमने बॉयल किए हैं, 1 कनी बॉयल करना है, यानी बासमती चावल है, बनस्पति चावल को, बासमती चावल को आपने क्या करना है, 20 से 25 मिनट अच्छे वाले चावल लें, उसको भिगो दें, और उसके बाद आपने 6 से 7 मिनट बॉयल करना है सादे पानी में। नमक नहीं डाला है मैंने, ठीक है, सादे पानी में मैंने इसको बॉयल किया, सादे पानी में बॉयल किया, लून माइन में न विधवा, नमक इसमें नहीं डाला क्योंकि नमक हम इसमें डालेंगे मसालों के साथ। तो ये चावल हमारे हो रहे हैं, यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, और चावल मैंने निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। 1/2 किलो चावल हैं, 1/2 किलो चावल हैं, सादा बॉयल थे लाइन, इन में मैं लून वगैरह हाली कुछ भी ना मिलाया हुआ, वो बाद में मिलाइंदासी, ठीक है। तो यहाँ पे जब चिकन हमारी हो जाएगी टेंडर, तो फिर हम इसमें ब्राउन प्याज ऐड करेंगे, टमाटर के स्लाइसेज हैं, 2 अदर टमाटर आपने स्लाइस काट लेने हैं, 2 अदर टमाटर के स्लाइसेज काट के डाल लें। तो ये सारा प्रोसेस देख लीजिएगा किस तरह मैं इसको बना रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सा ये पुलाव बनेगा, और इसको आपने इन्जॉय करना है, ठीक है। हाँ, इनके मैं वही हटाएं पो क्योंकि चिकन दम में भी गल जाएगी और यहाँ पे भी। 3-4 मिनट इसको भूना है, और 10-8 मिनट आपने इसको अच्छा सा गला लेना है, ठीक है, 1/2 कप पानी के साथ। अब जब ये गल जाएगी चिकन, 2 मिनट इसको और कवर करते हैं, चिकन फौरन गल जाती है। फिर हम इसमें मसाले क्या डालेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आकर रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। मुर्गी गरी हुई थी जैसे मैं टू तक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पहुँची रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक राजी ब्रेक तेने का पहले तुम सामू जो ठेपे देगी पुलाव, देगी पुलाव जो चिकन जो ठेपो है इनके चंगी देर थी वही है इतने पचंदे, अच्छा खासा टाइम हो गया इसको पकते हुए, 15 मिनट हो गए। अब इसमें जो यखनी सी बन गई है ना, ये चिकन का पानी भी निकला है, और इसमें मैंने भी 1 कप पानी डाला था, ठीक है। ये देखें यखनी टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसकी जो यखनी है ना, ये हम निकाल लेंगे, फिर इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए एक बॉल ले लेते हैं, और इसकी जो यखनी है ये मैं निकाल लूँगा। यखनी जी जो कप ठही है ना, 1 का 1.5 कप ये कटी वर्जो, चूल्हा बंद करके यखनी आपने अलग कर देनी है। इस यखनी को हम आगे यूज़ करेंगे, बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब यखनी सी बन गई है, ठीक है, ये गाढ़ी सी, ये ज़ाया नहीं करनी। अब यहाँ पे हमने डालना है थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच शहबाज कुकिंग ऑयल, और पहले 1/2 कप डाला था, 2 खाने के चम्मच शहबाज कुकिंग ऑयल मैंने और ऐड किया, 2 खाने का चम्मच शहबाज कुकिंग ऑयल भी ऐड करो। अब इसमें हमने डालने हैं ब्राउन प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें अब डालेंगी 2 अदद चॉप करके, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच, सावा मिर्चन में 2 विझंदासी, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दिए, ठीक है।
ये भगार बनेगा इसका, जो दो खाने के चम्मच ऑयल डाला था चिकन, अब इसमें होगी फ्राई। चिकन पहले हमने फ्राई करके उसको गला लिया था, अब आपने क्या करना है, यखनी हमने थोड़ी निकाल के रख दी है, यहाँ पे चिकन को हरी मिर्च और अदरक लहसुन के साथ आपने फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्की आँच करके। मसालों में इसमें क्या जाएगा, साबित धनिया कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, सौंफ कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच। सौंफ कुटा हुआ आप इसमें डालेंगी एक चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच या कुटी हुई, और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी एक चाय का चम्मच। सौंफ कुटियल एक चाय जो चमचो, ज़ीरो कुटियल एक चाय जो चमचो, साबित धाणा कुटियल एक खाण जो चमचो, जायफल जावित्री पाउडर अध चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, सौंफ ज़ीरो एक एक चाय जो चमचो, कुटियल साबित धाणा कुटियल एक खाण जो चमचो, जायफल जावित्री पाउडर अध चाय जो चमचो, और गाढ़ा मिर्च कुटियल इनमें हलिया हुआ एक चाय जो चमचो। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, दही हम यहाँ पर डालेंगे हाफ कप, हाफ कप इसमें चली जाएगी दही, ठीक है, अर्ध कप इनमें विजनदासी दही। दही डालने के बाद आपने इसको भूनना है, जो मसाले डाले थे कुटे हुए वो डाल दिया, दही डाल दी, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर स्लाइसेस किए हुए, दो अदर टमाटर हैं इसके स्लाइसेस कर लें, ठीक है, दो अदर टमाटर डाल दिए स्लाइसेस किए हुए, दो अदर टमाटर भी चलिया स्लाइस कैल, अच्छी तरह इसको मिक्स करें, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक कितना डालेंगे, डेढ़ खाने का चम्मच, आधा किलो चावल के हिसाब से डेढ़ खाने का चम्मच। जब टमाटर इसमें नरम होने लगेंगे, चिकन क्यूब मिलते हैं, ठीक है, चिकन क्यूब डब्बी में होते हैं दो, उसमें से आपने एक डालना है पन्नी से निकाल के, चिकन क्यूब एक विजंदासी पन्नी में कटी, डब्बी में ब हुआ है तो ब न विजो एक विजो। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कहाँ से बात करें, कौन सी सिटी से बात करें, ग्रांची से पहले भी कॉल करी थी जी। जी कुछ कहना चाहेंगी जी, आपने कचौरियाँ बनाई थी, मैंने बनाई थी, बहुत जबरदस्त बनी थी। कौन सी चीज़ कचौरियाँ, जी जी जी, कोई और फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है आपने जी भाई, गोलगप्पे आपने बनाए हैं? गोलगप्पे बेटा अभी नहीं बना सकूँगा, आप ना रमज़ान के बाद में बना दूँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता, गोल गप्पे बनाने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बना दूंगा। अच्छा वो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई है आपने? पिज़्ज़ा ब्रेड जी, वो भी बता दिया आपने, वो भी बना दिया। आप यूट्यूब पे जाएं, कुकिंग विद फैसल है ना हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं तो आपको मिल जाएंगी तमाम रेसिपीज, ठीक है। अच्छा ओके, अब जो ब्राउन प्याज हमने निकाल के रखी थी ना वो डाल देनी है, ब्राउन प्याज हाफ कप इसमें डालेंगे, ठीक है, और उसमें से थोड़ी सी बचा के रखेंगे, यानी ये जितनी आपने दो बड़ी प्याज या तीन मीडियम साइज़ की प्याज है ना उसमें से आपने हाफ कप बचा के रखनी, बाकी आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड कर देनी है। ब्राउन प्याज डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ये देगी स्टाइल का बन रहा है, ठीक है, पुलाव वो वाला नहीं जो हम बॉयल करके एक साथ बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चावल, चूल्हा बंद करके, जो आधा किलो चावल हैं ये चावल आपने इसके ऊपर डालने, नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक डालूंगा, ठीक है, मिक्स करके नमक इसमें डालेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। अगर आप चाहें तो चावल बॉयल करते वक्त भी नमक डाल सकती हैं एक खाने का चम्मच, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो अब यहाँ पे हमने नमक लेना है, डेढ़ खाने का चम्मच टोटल नमक जाएगा, तो यहाँ पर आधा हमने लेना है, एक खाने का चम्मच नमक इस तरह डाल दें, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो यखनी निकाल के रखी थी चिकन की ये डाल देनी आधी, अद्ध यखनी चिकन चिकन जी कटी रखी ये भी चंदासी, इनके बाद वरी चिकन चावर हैं अद्ध चावर विदा ये मथा विझी चंदासी सजा, सारे चावल ये डाल देते हैं। चावल डालने के बाद फिर इसके ऊपर नमक डालेंगे, ठीक है, फिर नमक मैंने डेढ़ खाने का चम्मच लिया था टोटल नमक, उसमें से आधा पहले डाला, आधा इसके ऊपर फिर डालेंगे, फैला के ये डाल दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको चावलों को सेट करें यूँ करके, इसके बाद जो यखनी हमारे पास थी चिकन की डेढ़ कप सवा कप जितनी वो ऊपर से फिर फैला के डाल दें, ठीक है। अब चूल्हा ऑन करेंगे, अब इसके ऊपर हमने क्या डालना है, जो ब्राउन प्याज बचा के रखा था ना ये ऊपर से डाल दें,
गाढ़ो बसर जो बचाए रखो ये मथा कभी छो अध कप जितो ठीक है। हम जो बस सावा मिर्च बारीक वारा ये विझी छो हरी मिर्च बारीक वाली ये डाल दें, हरा धनिया डाल दें इस तरह करके और ये हमारा हो जाएगा देगी पुलाव दम पे जाने वाला ठीक है। फिर ये तैयार हो जाएगा। अब ये कर दिया, इसको कवर कर दें। नॉन स्टिक है तो मैं कपड़ा नहीं लगाता हूँ, आप लोग पतीले के ढक्कन पे जैसे कपड़ा लगा के वज़न रख के उस तरह भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है तवा और इसको करना है गरम, फुल आंच पे तवे को गरम करेंगे 4 मिनट तक। जब तवा गरम होगा तो दम हम लगाएंगे तवे के ऊपर। जब भी बिरयानी बनाएं पुलाव बनाएं तो नीचे तवा लगा के दम दिया करें, उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे आपके चावल चिपकते नहीं हैं, जमते नहीं हैं, नीचे से जलते नहीं हैं। तो ये हम यहाँ पे ऑन किया है इसका चूल्हा फ्रेंक पैन का और सॉरी तवे का। तवा जब गर्म हो जाएगा तो ये उठा के हम रख देना है तवे के ऊपर ठीक है। ऊपर से वज़न रख दें, इसको ज़रूरत नहीं है वज़न की, ये नॉन स्टिक हैं, ये ऐसे ही बनते हैं इस पर खाने। तो अब इसको मैं 2-4 मिनट तेज़ आंच पे करूँगा ताकि इसके अंदर हीट पैदा हो, उसके बाद इसकी आंच हमने कम कर देनी है। आखिर में इसके ऊपर बनस्पति घी भी डालेंगे, ये भूल के डालना। 1 खाने का चम्मच लेंगे शहबाज बनस्पति घी, 1 खाने का चम्मच ज़्यादा नहीं ठीक है। दम ते लगाएं माल 1 खाने जो चम्मचों शहबाज बनस्पति घी भी विझना से, शहबाज बनस्पति घी बस 1 खाने का चम्मच। अब इसमें से आवाज़ आ रही है शुड़ शुड़ की, जैसे आवाज़ आती है सालन की तरह, तो आपने इसको लगा देना है दम पे और ये दम पे लग गया है। और अब हम बनाते हैं एक रायता कचुम्बर वाला भगारी रायता। भगारी रायता मतलब भगार वाला इसके साथ रायता बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसमें कचुम्बर मीन्स के इसमें जाएगा खीरा और प्याज और टमाटर ठीक है। जिसके लिए हमने लेनी है 1.5 पाव जितनी दही और दही को आपने यहाँ पे फेंट लेना है 1.5 पाव दही। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, बहुत गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दें 1/4 कप ठीक है। थोड़ा इसमें पानी भी दो, इलाई घाटो ना हो जाए, दही नॉर्मल हो जाए रायते जो साफ साफ। अब इसमें डालेंगे काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, कारो लून। काले नमक से रायता बहुत मज़े का लगता है, नहीं है तो नॉर्मल नमक डालें लेकिन मैं काला नमक इसमें यूज़ कर रहा हूँ। काला नमक डाल दिया। ज़ीरा तवे के ऊपर सेक के फ्राइंग पैन पे 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसालो 1/2 चाय जो चम्मचों, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचों, ज़ीरो सेक के फ्राइंग पैन थे या तवे थे वो विझो, कच्चो ना विझो। ये शयूँ मिलाई छंदासी ठीक है। अब इसमें हम मिलाएंगे यहाँ पे खीरा, 1 छोटा खीरा था क्यूब्स में कटिंग किया हुआ, इसी तरह 1 प्याज क्यूब्स में कटिंग किया हुआ, 1 खीरो क्यूब्स में कटिंग थियल, 1 बसर क्यूब में कटिंग थियल, टमाटा 1 या 2 नंढा क्यूब में कटिंग थियल। टमाटर प्याज खीरा हम वज़न आपने ले लेना है, 1-1 करके इस तरह मिक्स करना है इसके अंदर। और फिर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ ठीक है, हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना। हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि भगार में हम इसमें साबित लाल मिर्च डालेंगे। अब ये मिक्स हो जाएगा, ये बहुत मज़े का बनता है रायता ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स करेंगी, ये आप बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट सा रायता लगेगा। सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है भगार। भगार के लिए हम यहाँ पर लेंगे शहबाज कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा ऑयल, 2 खाने के चम्मच शहबाज कुकिंग ऑयल, 1/2 चम्मच शहबाज कुकिंग ऑयल। इनमें विजंदासी लौंगी मिर्च, अब इसमें हम जो साबित लाल मिर्च डालेंगे ना वो डालेंगे 5 से 6 अदद ठीक है। तो 3-4 इसमें साबित डाल दें और 2 हम इसमें तोड़ के डालें। जब भी कोई भगार बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, उसमें साबित लाल मिर्च डालती हैं तो 2 तोड़ के डाला करें, चाहे दाल है, चाहे रायता है, चाहे कोई भी चीज़ बना रही है, तो 2 साबित लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे। तो उससे क्या होता है कि घी में जब लाल मिर्च जलता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है ठीक है। काट के इस तरह 2 डाल दिए। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते ऑप्शनल हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं वो डालें, वरना सिर्फ ज़ीरे और साबित लाल मिर्च का भी आप भगार डाल सकती हैं। तो कड़ी पत्ते यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कराची में, तो ये डालेंगे 6-7 दाने 8 दाने कड़ी पत्ते के। मिर्चें जब जलने लगेंगी कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगेगी, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा चला गया, मिर्चों जड़े सड़न लगंदियूँ आई पो इनमें तहाँ ज़ीरो विझंदो दाग ठही वो। भगार डाला और ये हम बना रहे हैं शहबाज कुकिंग ऑयल के साथ, ये इसमें ऐड कर दिया ठीक है। ये भगार बन गया, इसको मिक्स कर दें और इसको फिर आप
वैसे ही रोटी के साथ भी अगर आप सादी खाते ना, ये बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त रायता होता है। सादे चावल है, मटर पुलाव बना रहे मटर वाले सफ़ेद चावल के साथ, शामी कबाब के साथ रख लें, वाइट राइस के साथ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरह इसको खाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का रायता होता है। आप ऐसे रूखा भी खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस तरह आपने बना लिया रायता, इसको रखते हैं साइड में, चावल हमारे दम पे। उस तब तक हम बनाते हैं ड्रिंक ब्रेक, जो टाइम था ना थोड़ा ना, तब ड्रिंक था ठीक है। कॉल बट था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? बच्चों से बात ना कर रहे हैं आप, खुद बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं। मैं ज़ारा बात कर रही हूँ, अनवर, अनवर की बेटी। बारन खान, ओके, जडे भी गलायो वडन का कॉल कराइंदा क्यों, नंडे बारन का कॉल ना कराइंदा क्यों, ठीक है? छकरण त ही कुकिंग शो आए, लेडीज दिसंदी वाइन, काफी सारा कॉलर्स पुठिया वेट कंदा है, तो बारन के दही ना कंदा क्यों कॉल, ठीक है? जब भी कॉल करें बच्चों को ना दिया करें, बड़ों से कॉल कराया करें, क्योंकि साउंड समझ नहीं आता। यहाँ पे ये हमारा हो गया तैयार, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है टैंक ब्रेक, जो टाइम था नहीं थी। अच्छा ब्रेक जी, कॉल अच्छी भैया, एक शॉर्ट ब्रेक का ब्रेक ते हूँ था, जैसे असा जो देगी पुलाव तैयार थे पे आई ड्रिंक्स जे के असा ब्रेक का पोठाइंदा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई, उहो ठहे पियो देगी पुलाव, चिकन में अगरि बीफ में ठाहींदो, मटन में ठाहींदो साॻे तरीक़े सां, ऐं इहो ठाहे पियो शहबाज कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति गिहु सां गॾु, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा थ्री मौजूदु आहे। वाइटमिन ए और डी से भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा थ्री मौजूदु है। शहबाज कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी में आप बनाए खाने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर बन रहा है यखनी पुलाव या देगी यखनी पुलाव, जैसे भी आप कहें, देगी यखनी पुलाव है इसका नाम। अगर बीफ में बनाती हैं, मटन में बनाती हैं, तो उसको आपने पहले बॉयल कर लेना, ठीक है? टैंक का बताता चलूं कि टैंक के पांच फ्रूट्स के नेचुरल फ्लेवर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें है पाइनएप्पल, ऑरेंज, मौसम्बी, मैंगो, और उसके अलावा है लेमन काली मिर्च। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेमन काली मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बनता है इसमें। और ये जो मैंगो, ये सीज़न नहीं होते ना फ्रूट्स के, तो आप इसको एंजॉय कर सकती हैं। फ्रूट चाट बना रही हैं आजकल, जब फ्रूट चाट में भी आप एक चाय का चम्मच मिलाएंगी ना, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, कोई भी आप मिला लें। तो इसके जो साशे हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है कि एक ग्लास में आपने डालने हैं तीन खाने से चार खाने के चम्मच, ठीक है? एक जग बना रही हैं तो उसमें आपने 8 से 10 खाने के चम्मच डालना है। और अगर आपने इस पाउच से ग्लास देखने कितने बनाने, तो तीन जग बनते हैं एक पाउच से, और ग्लास की काउंटिंग करेंगी तो 12 से 14 ग्लास बनेंगे, ठीक है, किसी भी फ्लेवर के। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास ठंडा पानी लिया, इसमें 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है ऑरेंज, आज मैं बना रहा हूँ ऑरेंज फ्लेवर में, बड़ा ज़बरदस्त नेचुरल सा, बिल्कुल जैसे हम कीनू खाते हैं वही वाला फ्लेवर इसकी ड्रिंक में आता है। और लेकिन इसको जब आप बनाएं तो इतना डिसॉल्व करें कि जो इसका पाउडर है ना, उसके पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ये आपने इसमें डिसॉल्व करने, जितना आप इसको डिसॉल्व करेंगी उतना आपका ड्रिंक अच्छा बनेगा, इतना इसका फ्लेवर निकल के आता है। थोड़ा टाइम दें इसको अच्छी तरह डिसॉल्व करें, कलर भी निकलेगा फ्लेवर में। जड़े ही तव्हां विझंदा आहियो ना पाउडर खीर पाणी में, त पोइ हिनखे चङी तरह हिलाईंदा कयो, जल्दबाज़ी न कयो। जेतिरो हिनखे हिलाईंदो, हिन जा दाणा जेके हूंदा आहिनि न पाउडर जा, उहो ख़तमु थींदा, ऐं जो जेको फ्लेवर आहे न उहो निकिरी ईंदो, जेको ओरिजिनल ज़ाइको आहे बिल्कुलु वेंदो। जल्दी जल्दी घुमाईंदो त पोइ मज़ो बि नथो अचे, हुनजो कलर नथो निकिरे। हाणे मां हिनखे चङी तरह घुमायां पियो त हिन जो कलर बि सुठो निकिरे पियो ऐं तमामु बहितरीन इहे ठहे पए। ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम डस्ट चांहि तमामु बहितरीन आहे, ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम डस्ट वठो, ऐं कड़क चांहि जो मज़ो, तेज़ रंग, तेज़ ख़ुशबू सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे। ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम डस्ट बहितरीन चांहि है, आप लें, मार्केट में अवेलेबल है, तेज़ रंग, तेज़ ज़ायका, तेज़ खुशबू के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चाय बनती। कल मैंने आपको दूध पत्ती बनाना भी सिखाई थी। रू अफ़ज़ा मशरूब मशरक बेहतरीन शरबत है, वो आप लें। ये हमारा टैंक हो गया तैयार, ठीक है? आप देख सकती हैं कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, फ्लेवर भी इसकी, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ब्रुकबॉन्ड सुप्रीम डस्ट के बाद हमारे पास है रू अफ़ज़ा मशरूब मशरक, रू अफ़ज़ा ज़बरदस्त ड्रिंक है, हर घर की जीनत दस्तखान पर ज़रूर मौजूद होता है। आप इसको दूध के साथ बनाएँ, लस्सी के साथ बनाएँ,
ठंडे पानी के साथ बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। रूह अफज़ा दूध ही आप देख रहे हैं कि इनका फ़्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त। दूध के साथ बच्चे भी पी सकते हैं शौक़ से, जो बच्चे दूध नहीं पीते रूह अफज़ा डाल के दें। और ये 10 पैक में ट्रैवल के लिए है, या साथ कहीं भी जा रही हैं आप, मार्केट जा रहे हैं, किसी और सिटी जा रहे हैं, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, ये आपके पास 10 पैक होगा, खोला और आपने पी लिया, बना बनाया शरबत है। और ये हमारे पास है पाकोला फुल क्रीम मिल्क, पाकोला फुल क्रीम मिल्क बेहतरीन कैल्शियम से भरपूर दूध है। इसमें 1 लीटर और 1 पाव के साशे पैकेट्स मिल रहे हैं, और बच्चे जो दूध नहीं पीते उनके लिए ज़बरदस्त से फ्लेवर्स आ गए हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड पिस्ता। स्ट्रॉ के साथ है लंच बॉक्स, इसमें आप दे सकते हैं। सिलसिला रवायती खानों का मसाला मिक्स नसीम के आप लें, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, डब्बे के पीछे पूरा पैकेट के पीछे पूरी रेसिपी लिखी होती है, आप वो बना के कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पुलाव था देगी पुलाव वो हो गया तैयार, ठीक है। बस इसको हमने देना था 18 से 20 मिनट दम। मैं हटा दूँगा कवर इसका, और कवर हटाने के बाद आपने क्या करना है, जब भी बिरयानी है या पुलाव है उसको फ़ौरन निकाला करें, 2 मिनट छोड़ें इसकी स्टीम बाहर आ जाए, देन आपने इसको हिला के निकालना। जब इनके कोई भी पुलाव ठाए पे या बिरयानी ठाए पे उनके फ़ौरन ना खोलन था, क्यों 2 मिनट छड़न था, क्यों स्टीम जब ढक टाइन का वो निकली भी दिया पोत आ इनके मिक्स करो, साइडन का मिक्स करना, क्यों कदे भी विच में चमचो ना लाइन था, क्यों अब इसको मिक्स करके निकालेंगे, जो नमक हमने लेयर में डाला था तो वो इसमें मिक्स हो जाएगा। आराम से इसको अच्छी तरह पूरा मिक्स करना है, एक जैसा घुमा घुमा के, आपने खिचड़ी की तरह चावल तोड़ने नहीं, हल्के हाथ से मिक्स करें, चावल अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बनती है। और मेजरमेंट जो मैं बताता हूँ बिल्कुल परफेक्ट होती है नमक की हर चीज़ की। इसका कलर देखें बिल्कुल नेचुरल कलर है देगी स्टाइल में, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और ये हमारा हो गया है यहाँ पर देगी पुलाव तैयार, ठीक है। इस तरह आराम आराम से खोलेंगे इसको, हल्के हथ से खोलंदासीं, आराम आराम से मिक्स करूँगा ताकि राइस में हमने सॉल्ट डाला है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, वैसे भी वो स्टीम में मिक्स हो जाता है। और टमाटर स्लाइस में ही डालें, जिस तरह देगी पुलाव होता है ना उसमें टमाटर स्लाइस में डले होते हैं, वो खुद ही गल जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। ये हमारा हो गया पुलाव तैयार, हल्के हाथ से मैंने इसको मिक्स कर दिया, रायता मैंने आपको बनाना सिखा दिया इसके साथ। अब कंटिन्यू हम खानों पे रहेंगे 2-3 दिन तक, परसों वॉन्टन बनाऊंगा, वॉन्टन बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं मांदा पट्टी से, ठीक है, ये शादियों वगैरह में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इसकी फरमाइश आ रही थी। अभी छोलों की भी काफ़ी रेसिपीज़ हैं, कुछ और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं वो बनाते रहेंगे, क्योंकि आज अभी हैं हमारे पास 2 वीक रमज़ान के, फिर 20 रमज़ान के बाद ना ईद के हमने मीठे बनाने, तो वो आप देखते रहिएगा कंटिन्यू। और आप लोग की कोई फरमाइश, अगर यहाँ पे कॉल नहीं लग रही, लाइन का इशू है, तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 03142675311, 03142675311 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वॉइस मैसेज या मैसेज करके आप कॉल नहीं किया करें, क्योंकि नया नंबर होता है ना मैं अटेंड नहीं करता हूँ, तो 03142675311 पे आप वॉइस मैसेज या मैसेज कर दें जो भी आपको फरमाइश करनी हो। ये कुछ फरमाइश ऐसी होती हैं जो मुझे मैसेज पे आ रही होती है तो मैं यहाँ पे बना रहा होता हूँ। ठीक है, ये देखें पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया, ये बोटियाँ फुल गल गई हैं। अगर बीफ़ या मटन में बनाएंगी तो उनको अलग से आपने बॉयल करना है, बीफ़ और मटन को, ठीक है। बीफ़ या मटन में ठाहियो पिया तो उनके अलग सा बॉयल कंदो, गोश्त के घर ही वो तो इन प्रोसेस से तुम्हें इनके ठाणा पो, ठीक है। ये हमारा हो गया ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार, ये मैंने निकाल दिया। और उसके बाद हमने ड्रिंक बनानी है रूह अफ़ज़ा की, देखिए टमाटर का कलर कितना ज़बरदस्त इसके अंदर आ रहा है, नेचुरल सा कलर आ रहा है, कोई मैंने इसमें कलर नहीं डाला, कोई फूड कलर नहीं डाला, ना आप डालें, बिल्कुल देगी पुलाव इसी तरह बिल्कुल ओरिजिनल शेड में आप बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ सलाद अगर अलग रखना चाहती हैं तो भगार वाला रायता नहीं बनाना चाहती तो सादा रायता बना लें, काली मिर्च ज़ीरा सिर्फ मिला लें और काला नमक मिला लें तो वो रायता भी बहुत, 1 पाव दही में आपने कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश काली मिर्च को आपने मोटा मोटा दरदरा सा कूट के वो डाल दें 1/2 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भून के डाल दें, और उसके बाद आपने क्या करना है उसमें काला नमक थोड़ा मिलाना है, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फैसल भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? रीवा बात कर रही हूँ हरिपुर से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। दुआएं बिल्कुल, कैसा मौसम है हरिपुर का?
बारिश लगी हुई है, अच्छा मौसम है, बड़ा मजे आ रहे हैं। यहाँ तो इतनी गर्मी, आग लगी हुई है मौसम कराची में। नहीं अभी बारिश ठंडी है ना, मौसम ठंडक हो रही है, ठीक। ऊपर से आपने बिरयानी भी बनाई है तो और ही मौसम अच्छा हो गया ना। हाँ जरूर बनाइएगा। कोई फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है आपने? जी, आप मीठा 20 के बाद बनाएंगे ना? नहीं, मीठे बीच में भी बनाऊंगा, अब दो तीन दिन में शुरू करूंगा, लेकिन 20 रमज़ान के बाद ना, फिर इंशाल्लाह जैसे 22-24 रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर मीठे हैं काफ़ी सारे, और ईद के हिसाब से कुछ करनी थी। बिल्कुल कीजिए। गुलाब जामुन, बर्फी और रसमलाई भी ना खा दें। इनमें से एक चीज़ बता दें। वो बर्फी बना दे, वो रबड़ी की हो जाती है फसल भाई। बर्फी बना दूँ? जी। क्या हो जाती है बर्फी बनाती है तो? बच्चे बनाए तो वो रबड़ी की हो जाती है। मीठी हो जाती है? रबड़ी हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है रबड़ी। जी, नरम हो जाती है रबड़ी जैसी। आप किस चीज़ से बनाती है? खोए से बनाती है? नहीं, यूट्यूब पे देखा था, वो सूखा दूध से ना, सूखा दूध मैदे से। खोया मिलता है वहाँ पे फीका वाला? नहीं यहाँ पे नहीं मिलता ना। नहीं मिलता, चले ठीक है, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है, कब बनाएंगे? ईद से पहले। जी ठीक है, थैंक यू। और बाकी आपको गुलाब जामुन वगैरह चाहिए तो YouTube अगर यूज करते हैं तो वहाँ देख लें, कुकिंग विद फैसल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये हमारा पुलाव तैयार हो गया, यहाँ पे हमने ड्रिंक बना दी, अब हम बनाते हैं रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। अगर ब्रेक का ब्रेक जो टाइम बचेगा, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम ड्रिंक बनाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञणु खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको पुलाव ठाहियो, देगी पुलाव सां ठाहियो, तमामु बहितरीन चिकन में ओट सां ठाहियो आहे, शहबाज़ कुकिंग ऑयल सां गॾु। शहबाज़ कुकिंग ऑयल तमामु बहितरीन, बनस्पति घी बि तमामु बहितरीन आहे, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर आहे, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा 3 खां में आहे मौजूदु, जंहिंमें तमामु बहितरीन खाधा, तमामु बहितरीन मिठा तव्हां ठाहियो। ऐं हिते ठाहियूं पिया मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। थधो पाणी खणंदासीं हिकु गिलास, ठीकु आहे? हाणे पाणी जी जॻह तव्हां खीर बि खणी सघो था, लस्सी बि खणी सघो था, ठीकु आहे? एक, दो, तीन, चार, चार खाने के चम्मच हम मिलाएंगे एक गिलास ठंडे पानी में। इसके साथ आप लस्सी भी यूज़ कर सकती हैं, लस्सी में चीनी ना डालें, ये चार खाने के चम्मच डाल दें एक गिलास पानी में, या ठंडा दूध ले लें। सहरी में एसिडिटी नहीं होती, इन चीज़ों से आप दूध पिए। बच्चे जो दूध नहीं पीते उनको आप रूह अफ़ज़ा मिला के दें, बहुत ही मज़ेदार शरबत बनता है और बच्चे शौक से पीते हैं, ठीक है? ये हमारा हो गया शरबत तैयार, और ये रिपीट चलेगा सुबह 8 बजे प्रोग्राम, ठीक है? मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा ये आप लें, बेहतरीन ड्रिंक है, मार्केट में अवेलेबल है, और आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता है। कल सुबह रिपीट चलेगा 8 बजे, कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, तमाम रेसिपीज़ अपलोड हैं, 3000+ रेसिपीज़ अपलोड हैं, और जो प्रोग्राम यहाँ मैं लाइव करता हूँ 1 घंटे के अंदर वहाँ पे अपलोड हो जाता है। 03142675311, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वॉइस मैसेज करें, मैसेज करें, कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो आप वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस डेली आते हैं और सबको मैं तकरीबन रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह कल की रेसिपी देखिएगा, कल भी मज़ेदार सा हम खाना बनाएंगे और उसके साथ कुछ एक मीठा भी बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, और मैं पूरा रमज़ान आपके साथ चलता आ रहा हूँ, फर्स्ट रमज़ान से चांद रात तक डेली हम लाइव होंगे, ठीक है? सुभाणे 8 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद फैसल असांजो यूट्यूब चैनल आहे, हुते वञो सब्सक्राइब कयो, 3000 खां मथे रेसिपीज़ तव्हांखे मिली वेंदियूं। 03142675311 मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे, हुते तव्हां वेंदव त मैसेज कंदो या वॉइस मैसेज कंदो, कॉल न कजो, मां सॼी रिप्लाई कंदो आहियां हर रेसिपी जो, जेका तव्हांखे हेल्प खपे तव्हां हुते पुछी सघो था। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल रखंदा, इनशाला सुभाणे बि मज़ेदार खाधे में हिकु रेसिपी ठाहींदासीं, ऐं कंटिन्यू आहियूं तव्हां सां गॾु चंड राति ताईं रोज़ानो 3 खां 4 लाइव। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल रखिजो, दुआ में रखंदो, अलाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो आई वधी का बेल आइकन के क्लिक करें।